गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट पोस्ट करने के लिए हम क्लासरूम आइकन पर क्लिक करते ही क्लासेस में जाते हैं और क्लास को सेलेक्ट करते हैं। नीचे क्लास वर्क के टैब पर क्लिक करते ही प्लस साइन हम देखते हैं। नीचे इस पर क्लिक करेंगे तो असाइनमेंट मटेरियल टॉपिक आदि के ऑप्शंस होते हैं। मटेरियल और टॉपिक को ऐड करना प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, आज असाइनमेंट ऐड करेंगे। असाइनमेंट जब हम क्लिक करते हैं असाइनमेंट पर तो उसका टाइटल आ जाता है। यहाँ पर हम क्विज असाइनमेंट आज पोस्ट करने वाले हैं और ये क्विज असाइनमेंट हम गूगल फॉर्म्स पर बनाते हैं। गूगल फॉर्म को क्विज में बदल देते हैं। यहाँ पर मार्क्स हम देख सकते हैं, मार्क्स कितने भी मार्क्स की क्विज है यहाँ पर हम डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद शेड्यूल कर सकते हैं कौन सी डेट को असाइनमेंट पोस्ट करना है। टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं पहले वीडियोज़ में कैसे बनाते हैं। और फाइनली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लिंक पर हम क्लिक करके लिंक दे सकते हैं गूगल फॉर्म की, जिसको हम क्विज की तरह यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। क्विज की लिंक को हमने यहाँ पर दे दिया और जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर एज एन अटैचमेंट आप गूगल फॉर्म को नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर गूगल फॉर्म आ जाता है और फाइनली ऊपर सेंड के बटन पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये क्लास वर्क में उसी टॉपिक के अंतर्गत पोस्ट हो जाता है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं ये बच्चों को असाइन हो जाता है यहाँ पर जितने भी बच्चे क्लास में, और फाइनली बच्चे उसको अपने क्लास में देख सकते हैं। जैसे ही वो क्लिक करते हैं फॉर्म पर एक क्विज फॉर्म खुल जाता है और मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर टाइप, पैराग्राफ, ड्रॉप डाउन मेन्यू, डिफरेंट तरीके के ऑप्शंस है फॉर्म में, उस तरह से बना सकते हैं। सही आंसर यहाँ पर बच्चा सेलेक्ट करता है। अगर पिक्चर बेस्ड है उसको कोई फाइल अटैच करनी है तो उस फाइल को वो अपनी ड्राइव में सुरक्षित रख करके फाइनली गूगल ड्राइव पर जाता है और वहाँ से या कोई दूसरे मेन्यू पर जाता है जहाँ पर भी उसने उस फाइल को रखा हुआ है, और वो यहाँ से गूगल ड्राइव से अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेता है। फाइनली सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करता है और ये एज एन अटैचमेंट यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी दिया हुआ है क्विज में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, बच्चा प्रोवाइडेड स्पेस पर टाइप कर सकता है, लिख सकता है अपना आंसर। और फाइनली जब उसका आंसर कंप्लीट हो जाता है तो नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करके सबमिट कर लेता है और अपने स्कोर्स भी देख सकता है। यहाँ पर सही आंसर्स उसको पता चल जाते हैं और इस तरीके से असाइनमेंट पोस्ट किया जा सकता है। सिंपल असाइनमेंट और क्विज असाइनमेंट कैसे बनाएं ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।